हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टू वर्ड सक्सेस आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर सेवन जिसमें ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो के रिलेटेड फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर फर्स्ट क्वेश्चन हुआ इज रिटर्न द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर किसने लिखा है ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन बी एस सैप्पन सी के बी थॉमस डी एम एस रंधावा सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है एम एस रंधावा द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज रिटन बाय एम एस रंधावा इनका पूरा नाम था मोहिंदर सिंह रंधावा इन्होंने मेजर रोल प्ले किया एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया व सेटअप इन ईयर देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था ऑप्शन ए नाइनटीन फिफ्टी बी नाइनटीन सिक्सटी सी नाइनटीन सेवेंटी डी नाइनटीन एट्टी सो so, इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइनटीन सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ कंट्री इज देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है ऑप्शन ए जे एंड के वी जबलपुर बी जी बी पी ए यू सी पी ए यू लुधियाना डी आर ए यू बीकानेर सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे बी पी ए यू जेबीपीए यानी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने ओन से प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन पर, इन पंत नगर उत्तराखंड जो की तब उस टाइम पर उत्तर प्रदेश का पार्ट था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मीनस रेजिंग ऑफ कृषि में दोहरी फसल का अर्थ किसकी वृद्धि है ऑप्शन ए टू क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स बी टू क्रॉप सिमल्टेनियसली सी वन क्रॉप अलोंग विद अनदर क्रॉप डी नन ऑफ द अबर्व सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सड फार्मिंग निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है ऑप्शन ए कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स बी कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन सेम फील्ड सी रेयरिंग ऑफ़ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगैदर डी नन ऑफ द अबर्व सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगैदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ पैलल क्रॉपिंग कौन सा समांतर फसल का उदाहरण है ऑप्शन ए पटेटो प्लस राइस बी वीट प्लस मस्टर्ड सी कोटन प्लस वीट डी सोर्गम प्लस पोटैटो सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीट प्लस मस्टर्ड पैलर क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मेथड बाय विच टू क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर ये एक ऐसा एग्रीकल्चर मेथड है जिसमें दो क्रॉप्स एक साथ उगाई जाती हैं इन द सेम लैंड एक ही जमीन पर पैलर रोज में सिग्निफिकेंटली बोथ क्रॉप्स ग्रोन डू नॉट कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स दोनों फसलें जो उगाई जाती हैं वो एक दूसरे के साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट नहीं करती इसलिए एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालती नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन इंडिया इज द लार्जेस्ट इन भारत में परिचालन हिस्सेदारी का औसत आकार किस राज्य का सबसे बड़ा है ऑप्शन ए पंजाब बी गुजरात सी मध्य प्रदेश डी राजस्थान सो so इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट द रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर इज भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण है ऑप्शन ए ओवर ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर बी स्मॉल स्मॉल लैंड होल्डिंग सी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डी ऑल ऑफ द अबव सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज भारत में कृषि को किस प्रकार माना जाता है ऑप्शन ए ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बी अ प्रोफेशन सी अ ट्रेड डी एन इंडस्ट्री सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन द टू लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया आर भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उप उपभोक्ता हैं ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र बी पंजाब एंड हरियाणा सी पंजाब एंड उत्तर प्रदेश डी उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश सो so, इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कंटेन हाइएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किस हरी खाद वाली फसल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है ऑप्शन ए धाइचा बी सनहैप सी कोपी डी गुआर सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काउपी ग्रीन मैन्योर इज नव उन्नत शुष्क भूमि में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है ऑप्शन ए लोबिया बी धाइचा सी ग्रीन ग्राम यानी मूंग डी ब्राउन हैप यानी सनाई सो so, इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है लोबिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन साउथर्न इंडिया द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है ऑप्शन ए केरला कोस्ट बी तमिलनाडु कोस्ट सी तेलंगाना डी विदर्भा सो so, इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है तमिलनाडु कोस्ट द हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एरियाज़ इन साउदर्न इंडिया आर साउदर्न इंडिया में हाई प्रोडक्टिविटी वाले एरियाज़ हैं कोस्टल एरियाज़ ऑफ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एरियाज ऑफ सूरत इन गुजरात एंड एरियाज ऑफ सतारा एन एंड कोल्हापुर ऑफ महाराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द रिचेस्ट एट इंड रेप्लीबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स पूर्ण पूर्ति योग्य भूजल संसाधन में सबसे समृद्ध राज्य है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश बी मध्य प्रदेश सी उत्तर प्रदेश डी वेस्ट बंगाल सो so, इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है मध्य प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज प्योनीर इन इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अनुबंध खेती शुरू करने में अग्रणी है ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हरियाणा बी पंजाब सी तमिलनाडु डी उत्तर प्रदेश सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है पंजाब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विद द रेफरेंस टू इंडियन एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ऑप्शन ए अबाउट नाइन्टी परसेंट ऑफ एरिया अंडर पल्सिस इन इंडिया इज रेन फेड ऑप्शन बी द शेयर ऑफ पल्सिस इन ग्रोस क्रॉप एरिया नेशनल रेवर हैज डबल्ड इन लास्ट टू डेकेट्स ऑप्शन सी इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट फिफ्टीन परसेंट ऑफ टोटल एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन इन वर्ल्ड ऑप्शन डी राइस ऑफ अबेंट ऑफ एरिया ऑफ इंडिया सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अबाउट नाइनटी परसेंट ऑफ एरियाज अंडर पल्सिस इन इंडिया इज रेन फेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज विश्व में हरी क्रांति के जनक हैं ऑप्शन ए नॉर्मन ई बोलोग ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन सी जी एस खुश डी बी पी पाल सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन ई बोलोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन ग्रीन रेवल्यूशन इज रिलेटेड टू हरी क्रांति का संबंध है ऑप्शन ए मिलेट प्रोडक्शन बी पल्स प्रोडक्शन सी वीट प्रोडक्शन डी ओल सीड प्रोडक्शन सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है वीट प्रोडक्शन

जिन्होंने उत्पादन का दर 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड का को उपयोग करके सही उत्तर चुने तो लिस्ट वन में है रेवोल्यूशन लिस्ट टू में रिलेटेड विद तो लिस्ट वन में है रेवोल्यूशन तो, तो उसका है ए गोल्डन रेवोल्यूशन बी ग्रे रेवोल्यूशन सी येलो रेवोल्यूशन डी ब्लैक रेवोल्यूशन लिस्ट टू में है वन ओल सीड प्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर एंड हनी थ्री पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड फोर फर्टिलाइजर्स सो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए टू थ्री फोर वन बी फोर टू वन थ्री सी टू फोर वन थ्री एंड डी वन टू थ्री फोर सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है टू फोर वन थ्री जिसका मतलब है कि गोल्डन रेवोल्यूशन को मैच करेंगे हॉर्टिकल्चर एंड हनी के साथ ग्रे रेवोल्यूशन को मैच करेंगे फर्टिलाइजर्स के साथ येलो रेवोल्यूशन को मैच करेंगे ऑयल सीड प्रोडक्शन के साथ और ब्लैक रेवोल्यूशन को मैच करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्शन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है ऑप्शन ए कॉटन बी मेज सी तुर डी मस्टर्ड सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है मस्टर्ड मेजर रबी क्रॉप्स इन इंडिया इंक्लूड इंडिया में मेजर रबी क्रॉप्स हैं वीट बाली मस्टर्ड ससमें पीज पटैटोस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन रबी क्रॉप्स आर सोन इन रबी की फसलें बोई जाती हैं ऑप्शन ए फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर बी फ्रॉम दिसंबर टू मार्च सी फ्रॉम मई टू जून डी फ्रॉम अगस्त टू सेप्तम्बर सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विच इज नॉट ए खरीफ क्रॉप कौन सी खरीफ की फसल नहीं है ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पैडी बी ग्राम सी मेज़ डी ज्वार सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है ग्राम नेक्स्ट uh, इसका एक्सप्लेनेशन है मेजर खरीफ क्रॉप्स ऑफ इंडिया इंक्लूड इंडिया में जो मेजर खरीफ क्रॉप्स हैं उनमें इंक्लूडेड हैं मिलेट्स बाजरा एंड ज्वार कॉटन सोयाबीन शुगर केन पैडी मेज़ मूंग ग्राउंडनट एंड रेड चिल्लीस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर गुड कल्टीवेशन ऑफ वीट गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्ित लिखित में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक है ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल बी हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल सी हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल डी लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल सो so, इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कैश क्रॉप्स डज नॉट कंसिस्ट नकदी फसलों में शामिल नहीं हैं ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शुगर केन बी कॉटन सी जूट डी वीट सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है वीट नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन है कैश क्रॉप्स इंक्लूड शुगर केन कॉटन जूट टोबैको बनाना ऑयल सीड्स बीट राइस एटसेट्रा आर फूड क्रॉप्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्री लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स तीन सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पंजाब उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा बी उत्तर प्रदेश हरियाणा एंड पंजाब सी उत्तर प्रदेश पंजाब एंड हरियाणा डी पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहले उत्तर प्रदेश फिर पंजाब एंड लास्ट में हरियाणा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स निम्नलिखित फसलों के उत्पादक में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राइस एंड वीट बी वीट एंड शुगर केन सी राइस एंड शुगर केन डी वीट एंड पल्स सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीट एंड शुगर केन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सुगंधा इज वैरायटी ऑफ माही सुगंधा किसकी वैरायटी है ऑप्शन है ऑप्शन ए राइस बी वीट सी सनफ्लावर डी मस्टर्ड सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी यूपी थ्री जीरो एट इज़ वेराइटी ऑफ यू पी थ्री जीरो एट किसकी किस्म है ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राइस बी वीट सी लेंटिल डी ग्राम सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है वीट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसीज ऑफ वीट क्रॉप इन निम्नलिखित में से कौन सा गेहूँ फसल का रोग है ऑप्शन ए हैं ऑप्शन ए ब्लास्ट बी टिक्का सी डस्ट डी रस्ट

सी यू पी एस वन ट्वेंटी डी नन ऑफ द अबव सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है यू पी एस वन ट्वेंटी सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल टूवर्ड सक्सेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट को वीडियो में तो तब के तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग